नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अशोक गहलोत सरकार प्रदेशवासियों को आज नई सौगात देने जा रही है। इसके तहत अब 3.5 लाख रुपए के स्थान पर 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। योजना के नए चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे। साथ ही में आपको बता दें, नए चरण की इस योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इससे प्रदेश में अब 1.10 करोड़ परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इससे सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार भी शामिल किए जा रहे हैं। योजना के तहत लाभार्थी को सामान्य बीमारियों के लिए भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को अस्पताल में आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड दिखाना होगा। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर एफिलेटेड जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के लिए विभिन्न 503 पदों पर योग्य उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। यह उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, वह राजस्थान सहकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि गहलोत सरकार की सहकार क्षेत्रों में बड़ी सौगात, RCDF और दुग्ध संघों में 503 पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आपको दे दें, राजस्थान रोडवेज की बोर्ड की बैठक में भी आज कई बड़े फैसले लिए हैं। लंबित 492 अनुकंपा भर्ती लेने के प्रस्ताव पास कर दिया गया है। 500 करोड़ रुपए की वर्किंग लोन और राजस्थान रोडवेज में भर्ती की आयु सीमा बढ़ाकर 35 की जगह अब 40 वर्ष की गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को कोविड काल में प्रमोट होने के साइड इफेक्ट्स अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर रोक लगा दी है, क्योंकि स्टूडेंट को इस बार प्रमोट किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने पहले तो प्रमोट करने की हिमायत भरी और अब खुद विभाग ने ही आदेश जारी कर इस पर रोक भी लगा दी। आपको बता दें, ये छात्रवृत्ति राज्य के करीब 1 लाख विद्यार्थियों को दी जाती है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष में 60% या इससे अधिक अंक लाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस योजना के तहत सालाना 5,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि इस योजना के तहत प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के करीब 30,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान पुलिस के लिए 28 जनवरी का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि प्रदेश की पुलिस ने एक तरफ जहां कुख्यात अपराधी राजस्थान और हरियाणा के 5 लाख के इनामी विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ हड़ौती के कुख्यात हिस्ट्री सीटर 1 लाख के इनामी बदमाश असलम उर्फ चिंटो को भी पुलिस ने धर दबोचा है। किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दे, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर इलाके में 43 गांव के लोगों ने रविवार को शाहजहांपुर में हाईवे को खाली करवाने का निर्णय किया है। महापंचायत में शामिल गांव के प्रतिनिधियों ने कहा है कि इस बारे में पहले हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकारों से किसानों से हाईवे खाली करवाने की बात की जाएगी। अगर वह हाईवे खाली नहीं करवाते तो खुद 43 गांव के लोग हाईवे खाली करवाएंगे। महापंचायत के इस फैसले के बाद शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और ग्रामीणों में टकराव होने की आशंका जताई जा रही है। यानी कि राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर इलाके के 43 गांव के लोगों ने महापंचायत का रविवार को शाहजहांपुर में हाईवे से किसानों को हटाने का फैसला लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दे, गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार शाम इजरायली एम्बेसी के करीब हुए ब्लास्ट के बाद अपना बंगाल दौरा टाल दिया है। अमित शाह ने देर रात दिल्ली में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। एक और बड़ी सूचना आपको दे दे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को एक मौका और दिया है। RBSC ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरते समय गलतियां करने वाले छात्र अब 1 फरवरी से 13 फरवरी तक अपने आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।